हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फिडेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग लेने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार को व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से देश और प्रदेश में जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों में बढ़ोतरी करने से लगातार व्यापार पिछड़ता जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद्य पर कभी भी टैक्स नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने 5% जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि आम जरूरत के सामान पर पहले 5% वैट कर होता था, मगर इस सरकार ने आम जरूरत के सामान पर 18 से 28% जीएसटी लगाना व्यापारी विरोधी फैसला रहा है। सरकार को व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टैक्सों की दरें कम करनी चाहिए। तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा धाम में हर वर्ष एक मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों आदमी पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, मेले के आनंद उठाते हैं। इस बार भी मेला 10 तारीख को अग्रोहा धाम में होगा और सभी यहाँ अग्रवाल बंधु हमारे आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ के प्रधान है वे आए हुए हैं, और हमारे अग्रोहा विकास ट्रस्ट के प्रधान श्री बजरंग दास जी गर्ग आए हैं। मैं उनका भिवानी आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मेरे व्यापारी भाई एवं अग्रोहा धाम के ट्रस्टियों का सबका मैं यहाँ पहले अभिनंदन करता हूँ। अग्रोहा 10 नवंबर को बहुत भव्य मेला लगेगा और भिवानी से सैकड़ों गाड़ियाँ हमारे साथी और बसें यहाँ से हम लेके जाएंगे, और इस अग्रोहा धाम का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि भाईचारा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके अंदर विशिष्ट रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष चंद्र जी जीडी गोयनका ग्रुप के महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा धाम में